तो स्टूडेंट्स आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है टाइप ए एंड टाइप बी जो टाइप ए की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है ज़ीरो और जो टाइप बी की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड पे क्या है एफ ऑफ एक्स यानि कि राइट हैंड साइड पे कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब टू एक्स प्लस वन लॉग एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का सो so, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है टाइप ए एंड टाइप बी टाइप ए के अंदर क्या होगा जो राइट हैंड साइड होगा वो जीरो के इक्वल होगा और जो टाइप बी की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें क्या होगा जो राइट हैंड साइड होगी हमारी उसमें हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा एक्स का सो वन बाय वन हम दोनों टाइप की इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता गया है जब भी हमें यह बोला जाता है कि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होता है स्टूडेंट्स तो अब हम सबसे पहले ये समझते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें ये बोला जाता है कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो स्टूडेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है हमें वाई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स यानी कि हमें वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स और जब वो वाली वैल्यू हम वाई की यहाँ पे लिख देंगे इस इक्वेशन में यानि कि वाई की, की जगह पे वो वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है एक ऐसी y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और जो वो y की वैल्यू होगी वो किसके टर्म्स में आएगी x वेरिएबल की टर्म्स में आएगी सो आई होप स्टूडेंट्स की आपको सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा अब हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप ए की यानी कि जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जीरो होगा तो इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा सॉल्यूशन का मतलब क्या है वाई की वैल्यू हमें निकालनी है सो वाई इज इक्वल टू सो टाइप ए के केस के अंदर जो वाई की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल यानी कि C डॉट F. C डॉट F स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बेसिकली एक फंक्शन ही होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स और ये कैसे हमें निकालना है ये अभी हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो हमारा जो सॉल्यूशन है यानी कि जो वाई की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल होती है, है यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालते कैसे हैं ये हम एग्ज़ाम्पल्स में आगे समझेंगे इसी वीडियो के अंदर अब हम आते हैं टाइप बी की इक्वेशन पर यानी कि जब भी राइट हैंड साइड में हमें कोई फंक्शन गिवन होगा एक्स का तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा यानी कि जो वाई की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी इस केस के अंदर हमारे पास जो वाई की वैल्यू होगी उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे सबसे पहला कंपोनेंट तो हमारा सी एफ ई होगा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस केस के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर हम एक कंपोनेंट और ऐड कर देंगे और वो क्या होगा पी आई और पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल जो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो भी क्या है एक फंक्शन ही होगा एक्स का तो ये हम कैसे निकालेंगे ये हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे अभी तक आपको बस ये समझना है कि जब भी राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो जो हमारा सोल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल होता है और जब भी राइट हैंड साइड में हमें कोई फंक्शन गिवन है एक्स का तो जो सोल्यूशन है यानी कि जो वाई की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल तो टाइप बी के अंदर हमें दो कंपोनेंट्स निकालने निकालने हैं हैं यानी कि दो फंक्शंस पहला फंक्शन 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 क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये दोनों फंक्शन एक्स में होंगे और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा नव स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम खाली टाइप ए की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे यानी कि जिसके राइट हैंड साइड में जीरो होगा और जो टाइप बी की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि अगर दोनों टाइप की इक्वेशन्स को हम एक ही वीडियो में सोल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और कन्फ्यूजन भी हो जाएगी तो इसीलिए हम इस वीडियो में खाली वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे जिसके राइट हैंड साइड में जीरो है यानी कि टाइप ए की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस केस के अंदर जो सोल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल होगा तो अब आगे हम एग्जाम्पल्स

इसका मतलब क्या है जो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल हो जाएगा इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन और हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट वाई इज इक्वल टू सी एफ यानि कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वन क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो गिवन है तो इसीलिए जो सॉल्यूशन होगा यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल हो जाएगी अब हमें क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब हम ये सीखते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स गिवन है स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा तो सबसे पहला जो स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए वो क्या है फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन तो स्टेप वन क्या है फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें सबसे पहले जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है स्टूडेंट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे निकालते हैं ये हम लेक्चर नंबर वन यानी कि लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है या जिसको ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं निकालनी आती है तो आप पहले वो वाली वीडियो देख सकते हैं सो दैट आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी आ जाए यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे हम अपना एक डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से उसको हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा कैपिटल डी यानी कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो किसके रिस्पेक्ट में किया गया है एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा डी बाय डी एक्स के ऐसे ही जो कैपिटल डी स्क्र होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा डी स्क्वेयर बाय डी एक्स के ये चीज़ हम लेक्चर नंबर वन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नाउ स्टूडेंट्स डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिफाइन करने के बाद हम क्या करते थे जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम कैपिटल डी यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा डी स्वयर वाई माइनस फाइव डी वाई देवल टू जीरो तो जब हम गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैपिटल डी की टर्म्स में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया डी स्क्र वाई माइनस फाइव डी वाई माइनस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो चीज ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे ये जो वाई वाली टर्म होती है इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं तो हम कैसे लिखते थे डी स्क्वेयर माइनस फाइव डी माइनस सिक्स देन ब्रैकेट और राइट हैंड साइड पे हम वाई लिखते थे इक्वल टू ज़ीरो इसके बाद हम क्या लिखते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या करते थे ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है खाली हम इसे कंसिडर करते हैं और जहाँ पर भी कैपिटल डी होता है उसको हम स्मॉल एम से रिप्लेस करते थे तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी एम स्क्वेयर माइनस फाइव एम माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन तो जो स्टेप नंबर वन था वो हमारा कंप्लीट हो गया स्टेप नंबर वन क्या था हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी थी और वो हमने यहाँ पे निकाल ली जो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या है एम स्क्वेयर माइनस फाइव एम माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर टू पे स्टेप नंबर टू क्या है फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि जो भी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके रूट्स निकालने हैं तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल लेते हैं अब हम देख सकते हैं ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाल सकते हैं हम हम स्प्लिट मेथड लगा सकते हैं हम इस इक्वेशन को फर्दर कैसे लिख सकते हैं एम स्क्वेयर माइनस सिक्स एम प्लस एम माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो इसके बाद हम m कॉमन ले लेते हैं हमारा आ जाएगा m माइनस सिक्स देन वी हैव प्लस वन इंटू में एम माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो दैन एम प्लस वन इंटू एम माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो सो हमारी जो m की वैल्यू है वो क्या आ गई एक माइनस वन और जो दूसरी एम की वैल्यू है वो क्या आ गई सिक्स तो हमारे दो एम की वैल्यूज आ गई यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई एम की माइनस वन और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या आ गई सिक्स तो हमने जो रूट्स है ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो भी निकाल लिए यानी कि जो हमारा स्टेप नंबर टू है वो भी कंप्लीट हो गया अब हम चलते हैं स्टेप नंबर थ्री पे स्टेप नंबर थ्री क्या है डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स नेचर ऑफ़ रूट से मतलब है कि क्या वो रूट्स रियल नंबर्स है या कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो रूट्स आए हैं वो रियल नंबर्स है या कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे हमारे रूट्स क्या है माइनस वन और सिक्स ये दोनों के दोनों रूट्स क्या है रियल नंबर्स है तो इसीलिए हमारे पास कौन से रूट्स आ गए रियल नंबर्स आ गए अब जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशंस होती है केस वन एंड केस टू सो केस वन के अंदर क्या है इफ़ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि जब भी हमारे पास रियल नंबर्स आए हैं और वो जो रियल रूट्स है वो सारे के सारे क्या है डिस्टिंक्ट है सारे के सारे क्या है अलग अलग रूट्स है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आई है माइनस वन और सिक्स ये दोनों वैल्यूज़ क्या है अलग अलग है तो हमारे पास क्या आ गए डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए और जो केस टू है उसके अंदर क्या है रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड यानी कि जो रियल रूट्स आए हैं हमारे अगर वो सेम आ रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास एम की वैल्यू वन और वन ये आ जाती दोनों वैल्यूज तो इस केस में क्या होता कि ये रिपीटेड रूट्स कहलाते और हम केस टू को कंसिडर करते लेकिन हमारे पास यहां पे जो वैल्यूज आई है वो क्या आई है माइनस वन और सिक्स आई है ये दोनों वैल्यूज क्या है अलग अलग है यानी कि डिस्टिंक्ट है तो इसीलिए हम केस वन के अंदर जाएंगे हम केस वन को कंसिडर करेंगे तो स्टूडेंट्स केस वन के अंदर यानी कि जब भी हमारे पास रूट्स क्या है रियल नंबर्स है और डिस्टिंक्ट है रूट्स क्या है अलग अलग है तो हम जो सी एफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा सी एफ होगा अब हम वो लिखेंगे तो ये जो सी एफ का फॉर्मूला दिया हुआ है ये आप लर्न कर सकते हो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएगा लेकिन अभी के लिए आप लर्न कर सकते हो जो सी एफ होता है वो किसके इक्वल होता है सीवन सीवन यानी कि कोई भी एक कांस्टेंट यहाँ पे मैंने जो कांस्टेंट लिया है वो सीवन लिया है आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी या फिर ए वन ए टू कोई भी ले सकते हैं तो सीवन इज़ अ कॉन्सटेंट देन ई रेस टू पार ई क्या है एक्सपोनेंट रेस टू पार एम वन एम वन क्या है हमारा जो रूट आता है जो पहले रूट की वैल्यू है यानी कि माइनस वन उसकी वैल्यू हमें एम वन की जगह पे लिखनी है देन इन टू एक्स देन प्लस सी टू सी टू यानी कि कोई भी दूसरा कांस्टेंट देन एक्सपोनेंट ई रेस टू पार एम टू एम टू क्या है जो दूसरी वैल्यू आई है हमारी रूट की विच इज़ सिक्स तो एम टू की जगह पे हम क्या लिख देंगे सिक्स देन मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो जब हम एम वन और एम टू की वैल्यू यानी कि जो दोनों रूट्स है उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो अब हम इस क्वेश्चन के लिए अपना सी एफ लिखते हैं तो सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखना है सी वन सी वन इज एनी कॉन्स्टेंट देन ई टू पार एम वन एम वन यानी कि जो आपकी पहली रूट की वैल्यू लिखनी है पहला रूट हमारा क्या है माइनस वन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन देन मल्टीप्लाइड बाय एक्स सेम चीज़ हमें अब इस वाले रूट के लिए लिखनी है तो हमारे पास क्या है प्लस सी टू देन ई टू पार जो सेकेंड रूट है वो क्या है सिक्स तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिक्स देन मल्टीप्लाइड बाय एक्स वेयर सी वन सी टू क्या है सी वन एंड सी टू आर कॉन्सटेंट्स तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा सी एफ विच इज इक्वल टू सी वन मल्टीप्लाइड बाई रेस टू पार माइनस एक्स देन प्लस सी टू ई रेस टू पार सिक्स एक्स वेयर सी वन एंड सी टू आर कॉन्सटेंट्स तो so स्टूडेंट्स इस वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया है और हमें क्या निकालना था हमें सॉल्यूशन निकालना था और इस वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है यानी कि जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल है सी एफ के इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो y है वो किसके इक्वल आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल ही है विच विच इज़ इक्वल टू सी वन ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पार सिक्स एक्स तो हम सी एफ़ की जगह पे क्या लिख देंगे सी वन ई रेस टू पार माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पार सिक्स एक्स ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम एक बार सारे स्टेप रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले क्या होता है जब भी हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है और हम ये देखते हैं कि उसका राइट हैंड साइड में क्या है ज़ीरो तो जो सोल्यूशन होता है यानी कि जो वाई की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही इक्वल हो जाती है तो हमें बेसिकली अब क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है और वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा यानी कि वही हमारी y की वैल्यू हो जाएगी और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ती है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद हमें उसके रूट्स निकालने होते हैं जब हमारे पास रूट्स आ जाते हैं उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है क्या वो रूट्स रियल नंबर्स हैं अगर वो रूट्स रियल नंबर है तो उसके बाद हमें यह देखना पड़ता है क्या वो रूट्स अलग अलग है या रिपीटेड रूट्स है अगर वो रूट्स रियल नंबर्स है और सारे के सारे रूट्स अलग अलग है यानी कि डिस्टिंक्ट है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला है वो किसके इक्वल हो जाता है इसके इक्वल हो जाता है सी वन ई रेस टू पार एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पार एम टू एक्स यहाँ पे जो एम वन और एम टू है वो क्या है रूट्स की वैल्यूज़ है और हमें एम वन और एम टू की जगह पे अपने रूट्स लिख देने हैं जो भी हमारे रूट्स आए हैं इक्वेशन के अगर हमारे पास दो रूट्स आए हैं तो एम वन की जगह पे पहला रूट लिख देंगे और दूसरा रूट हम एम टू की जगह पे लिख देंगे और वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या आया था सी वन ई रेस टू पार माइनस एक्स प्लस और जो सॉल्यूशन है यानी कि जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ही इक्वल हो जाती है तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया फॉर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है वो क्या है जीरो के इक्वल तो यानी कि जो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट वाई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हम इस इक्वेशन को वन से डिनोट कर लेते हैं सो लेट वाई इज इक्वल टू सी एफ विद द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन तो अब हमें क्या करना है हमें सोल्यूशन निकालना है तो यानी कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो अब हम इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है वी हैव टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे अब हम देख सकते हैं जो गिवन इक्वेशन है वो कैपिटल डी की टर्म्स में गिवन है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो यहाँ से स्टूडेंट्स डायरेक्टली आ जाएगी हमें क्या करना है बस कैपिटल डी को स्मॉल एम से रिप्लेस करना है और हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगी इस क्वेश्चन में तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी एम क्यूब प्लस सिक्स एम स्क्वेयर प्लस इलेवन एम प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने क्या किया जहाँ पर भी डी था वहाँ पे हमने स्मॉल एम से रिप्लेस कर दिया और हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई नाउ स्टेप नंबर टू इज फाइंड द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से देखना लास्ट क्वेश्चन में क्या था जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी यानी कि जो डिग्री थी उस इक्वेशन की वो क्या थी टू और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो हम सभी ईजिली निकाल लेते हैं लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो डिग्री है इस वाले इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन की वो क्या है थ्री जो एम की हाईएस्ट पावर है वो क्या है थ्री तो यानी कि जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो क्या हो गई थ्री तो अब थ्री डिग्री इक्वेशन के हम रूट्स कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू हम वो भी समझ लेते हैं तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना जब भी हमें थ्री डिग्री इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है उसको हमें दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना होता है हमें यहाँ पे अपने दो फैक्टर्स लिखने हैं और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है ज़ीरो के इक्वल सो इक्वल टू ज़ीरो तो स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर अपने दो फैक्टर्स लिखने हैं जो एम की टर्म्स में होंगे सच दैट जब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए एम क्यू प्लस सिक्स एम स्क्वेयर प्लस इलेवन एम प्लस सिक्स हमें इस वाले एक्सप्रेशन को जो ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है एम क्यू प्लस सिक्स एम स्क्र प्लस इलेवन एम प्लस सिक्स इसको क्या करना है स्प्लिट करना है इन दो फैक्टर्स में और जब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही जो गिवन इक्वेशन है यही आनी चाहिए अब हम ये देखते हैं कि अब हम स्प्लिट कैसे करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फैक्टर होगा यहाँ पे वो क्या होगा एक लीनियर फैक्टर होगा और उसको निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं वो ध्यान से सुनना सबसे पहले इस वाले लीनियर फैक्टर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है उसका हमें एक रूट निकालना होता है और वो रूट कैसे निकालेंगे हमें फर्स्ट रूट निकालना होता है इस वाली जो गिवन इक्वेशन है इसके कितने रूट्स होंगे टोटल थ्री रूट्स होंगे क्योंकि ये थ्री डिग्री इक्वेशन है तो थ्री रूट्स होंगे तो उन तीन रूट्स में से जो हमारा फर्स्ट रूट है वो हमें सबसे पहले निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड वो हम कैसे करेंगे सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करेंगे वन पुट कर देंगे तो जहाँ पर भी एम होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे वन अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई यानी कि इक्वल टू जीरो के इक्वल आ गई तो यानी कि जो वन है वो इस इक्वेशन का रूट हो गया अगर वन रूट नहीं है यानी कि जब भी हम m की जगह पे वन पुट करते हैं और वो इक्वल टू जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब जो वन है वो रूट नहीं है तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे माइनस वन की तो जहाँ पर भी m होगा वहाँ पर हम माइनस वन पुट करके देखेंगे अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो इसका मतलब माइनस वन जो है वो रूट है ऐसे ही अगर वन भी रूट नहीं है माइनस वन भी रूट नहीं है तो जो नेक्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे टू प्लस टू ऐसे ही हम सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे जब तक हमें हमारा एक रूट नहीं मिल जाता तो जनरली हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स प्लस वन से अगर प्लस वन रूट नहीं होता तो हम पुट करते हैं माइनस वन अगर माइनस वन भी रूट नहीं होता तो हम पुट करते हैं प्लस टू प्लस टू भी रूट नहीं होता तो हम पुट करते हैं माइनस टू देन थ्री देन माइनस थ्री ऐसे हम चलते जाते हैं जब तक हमें अपना पहला रूट नहीं मिलता तो स्टूडेंट्स मोस्ट जर्नली आपको प्लस थ्री या माइनस थ्री तक एक रूट मिल ही जाएगा तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे जहाँ पर भी एम है वहाँ पर हम प्लस वन वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या वो ज़ीरो के इक्वल आती है तो जब हम एम की जगह पे वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास वन क्यूब देन सिक्स वन का होल देन प्लस इलेवन इंटू वन प्लस सिक्स सो so, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन प्लस सिक्स प्लस इलेवन प्लस सिक्स सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये जीरो के इक्वल तो है नहीं तो यानी कि जो प्लस वन की वैल्यू है वो रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन का तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब हम माइनस वन पुट करके देखते हैं तो जहाँ पर भी एम है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे माइनस वन और देखते हैं क्या वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो माइनस वन जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस वन का होल क्यूब देन प्लस सिक्स देन माइनस वन का होल स्क्वेयर देन प्लस इलेवन इंटू में माइनस वन देन प्लस सिक्स सो so, एक इसके इक्वल हो गया माइनस वन देन प्लस सिक्स देन माइनस इलेवन देन प्लस सिक्स सो दिस इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व सो ये जीरो के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स तो इसका मतलब क्या हुआ जो माइनस वन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि माइनस वन इज़ वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन तो स्टूडेंट्स हमें पहला रूट मिल गया अपनी इक्वेशन का और वो पहला रूट क्या है माइनस वन तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो फर्स्ट रूट है इस इक्वेशन का जो फर्स्ट रूट है वो किसके इक्वल है माइनस वन के इक्वल है अब इस रूट की हेल्प से स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट रूट आया है माइनस वन इसकी हेल्प से हम अपना फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे और वो कैसे लिखना है वो अब आप देखो हमारा वेरिएबल क्या है एम और जो वैल्यू है ये फर्स्ट रूट की वो क्या है माइनस वन अगर माइनस वन वैल्यू है तो हमें यहाँ पे लिखना है प्लस वन आपको जो साइन है ना वो अपोजिट कर देना है अगर यहाँ पे वन आया होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर माइनस वन तो इसीलिए अगर यहाँ पे माइनस वन है तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस वन साइन हमेशा अपोजिट करके लिख दो तो हमारा जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है वो किसके इक्वल हो गया एम प्लस वन अब हमें ये सेकंड फैक्टर निकालना है और ये जो सेकंड फैक्टर होगा उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी टू होगी यानी कि वो एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा एम के अंदर और अब ये कैसे निकालना है अब हम ये समझते हैं स्टूडेंट्स ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन और वो सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे करते हैं वो अब ध्यान से सुनना सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे नेक्स्ट क्या करना है जो हमारा फर्स्ट रूट है वो क्या आया है माइनस वन तो इसीलिए हमें जो माइनस वन यानी कि जो फर्स्ट रूट की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लिख देनी है माइनस वन उसके बाद अब हम इक्वेशन पे चलते हैं. हमारी इक्वेशन क्या है एम क्यूब प्लस सिक्स एम स्क्वेयर प्लस इलेवन एम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले जो कोफिशेंट है एम क्यूब का वो क्या है यहाँ पे वन तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे वन उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है एम स्क्वेयेर उसका जो कोफिशेंट है वो क्या है सिक्स तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिख देंगे सिक्स उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है इलेवन एम यानी कि जो एम का कोफिशेंट है वो क्या है इलेवन तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलेवन उसके बाद जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है वो क्या है सिक्स तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिक्स तो हमने क्या किया सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रूट आया था हमने वो लिख दिया उसके बाद दिस इज़ द कोफिशेंट ऑफ़ एम क्यूब दिस इज़ द कोफिशेंट ऑफ़ एम स्क्वेयर दिस इज़ द कोफिशेंट ऑफ़ एम एंड दिस इज़ द कॉन्सटेंट टर्म उसके बाद क्या करना है आपको जो ये वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख देनी है यहाँ पर क्या है वन है तो हमने यहाँ पे वन ही लिख दिया नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको जो ये वाली वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो जब हम वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस वन और माइनस वन को आपको यहाँ पे लिख देना है नेक्स्ट क्या करना है सिक्स माइनस वन दिस इज़ इक्वल टू फाइव देन अगेन फाइव मल्टीप्लाईड बाई माइनस वन फ़ाइव को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस फाइव और माइनस फाइव को हम यहाँ पे लिख देंगे देन इलेवन माइनस फाइव इज इक्वल टू सिक्स तो हम यहाँ पे सिक्स लिख देंगे अगेन हम क्या करेंगे सिक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस सिक्स और फिर लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिक्स माइनस सिक्स कितना होता है ज़ीरो तो हमारा आ गया ज़ीरो स्टूडेंट्स हमेशा एक बात याद रखना हमेशा एंड में हमारा ज़ीरो ही आना चाहिए अगर हमारा यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया यहाँ पर तो हमेशा हमारा एंड में ज़ीरो ही आना चाहिए तो हमने क्या किया बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे हमने एक रूट लिख दिया जो हमारा फर्स्ट रूट हमने निकाला था विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया हमने सारे कोफिशंट्स लिख दिए गिवन इक्वेशन के इस वाले नंबर को हमें एज़ इट इज़ लिख देना है यहाँ पे फिर जो ये वाले नंबर होते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ पे इस वाली लाइन में लिख देना होता है इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आया फ़ाइव देन फाइव को मल्टीप्लाई किया माइनस वन से तो क्या आया माइनस फाइव इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आया सिक्स और सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से तो क्या आ जाएगा माइनस सिक्स और जब दोनों को प्लस करेंगे तो एंड में हमेशा यहाँ पे ज़ीरो ही आना चाहिए जो ये नंबर्स है जो हमारे लास्ट रो के जो ये नंबर्स है इसकी हेल्प से हम अपना जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एम के अंदर हम ये लिखेंगे अब वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना जो ये फ़र्स्ट नंबर है हमारा जो ये फ़र्स्ट नंबर है यानी कि वन वो क्या है बेसिकली कोफ़ेंट ऑफ़ एम स्क्वेयर जो ये सेकेंड नंबर है फाइव वो क्या है कोफ़िशेंट ऑफ़ एम और जो ये सिक्स है वो क्या है कॉन्सटेंट टर्म है हमारी तो अब हम कैसे लिखेंगे हमें क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आ जाएगा एम स्क्र तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है एम स्क्र उसके बाद क्या करेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फाइफ एम तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस फाइफ एम देन उसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारी वो क्या है सिक्स तो जो हमारी कांस्टेंट टर्म है इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वो हो जाएगी सिक्स सो so, हमें जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स वो कैसे लिखना है हमारे पास यहाँ पे जो तीन नंबर आएंगे वो क्या होंगे जो फ़र्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा कोफिशेंट ऑफ़ एम स्क्यर जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा कोफ़िशेंट ऑफ एम और जो थर्ड नंबर होगा वो क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगी तो हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था यानी कि जो सेकंड ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन था वो क्या आ गया एम स्क्वेयर प्लस फाइव एम प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास कोई थ्री डिग्री इक्वेशन होती है तो उसके हमें रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उसे स्प्लिट करना पड़ता है दो पार्ट्स में जो फर्स्ट पार्ट है वो लीनियर पार्ट होता है और जो सेकेंड पार्ट है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक यानी कि टू डिग्री का एक्सप्रेशन होता है और जो ये फ़र्स्ट पार्ट है उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है अपना फर्स्ट रूट निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल तो सबसे पहले हम वन पुट करेंगे अगर वन रूट आ गया तो ठीक है उसके बाद फिर हम माइनस वन पुट करेंगे उसके बाद हम टू पुट करेंगे और हम जब तक पुट करते जाएंगे जब तक हमें कोई अपना फर्स्ट रूट नहीं मिलता तो इस वाले केस के अंदर जो हमें फ़र्स्ट रूट मिला था वो क्या मिला था माइनस वन तो माइनस वन अगर रूट है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एम प्लस वन साइन को हमेशा हम अपोजिट कर देते हैं और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमने इन तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से लिख दिया ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे हमें क्या चाहिए थे रूट्स चाहिए थे इस इक्वेशन के सो so, इस इक्वेशन को हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया नो दिस इंटू दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो इसका मतलब क्या हो गया एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड एम स्क्वेयर प्लस फाइव एम प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं जो फर्स्ट रूट था वो क्या था माइनस वन और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं तो इसको अब हम रूट्स निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन स्क्वेयर प्लस थ्री एम प्लस टू एम प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो वी हैव एम इंटू में एम प्लस थ्री प्लस टू इंटू में एम प्लस थ्री इक्ल टू ज़ीरो सो एम प्लस टू इंटू में एम प्लस थ्री इक्ल टू ज़ीरो सो हमारे पास क्या आ गया एम इज़ इक्वल टू माइनस टू एंड एम इज़ ईक्ल टू माइनस थ्री बाकी के दो रूट्स ये आ गए माइनस टू एंड माइनस थ्री तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने थ्री डिग्री इक्वेशन के रूट्स निकाल लिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास थ्री डिग्री की इक्वेशन आती है तो यानी कि हमें थ्री रूट्स निकालने हैं और वो थ्री रूट्स हम कैसे निकालते हैं ये जो मेथड है वो आपको समझ में आ गया होगा बट स्टिल स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है थ्री डिग्री इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए तो थ्री डिग्री इक्वेशन के, के, तो के रूट्स कैसे निकालते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर तीन रूट्स आ गए माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री तो जो स्टेप टू था वो हमारा कंप्लीट हो गया अब हम चलते हैं स्टेप नंबर थ्री पर स्टेप नंबर थ्री क्या है डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो रूट्स है वो रियल नंबर्स है या कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे जो तीनों रूट्स है वो क्या है रियल नंबर्स है और तीनों रूट्स क्या है अलग अलग है कोई भी रूट रिपीट नहीं हो रहा है माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री तीनों अलग अलग वैल्यूज़ है तो यानी कि जो हमारा केस है वो क्या है केस नंबर वन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंग तो जो हमारा सी एफ निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है सी वन ई रेस टू पार एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पार एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई रेस टू पार एम थ्री एक्स स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ दो रूट्स आए थे तो इसीलिए हमने खाली दो टर्म्स ली थी बट स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास थ्री रूट्स आए हैं तो इसीलिए हमारे पास एक टर्म और ऐड हो जाएगी सी एफ़ के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द थर्ड रूट स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना जितने भी आपके रूट्स आते हैं ना उतने ही आपकी टर्म्स होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर तो अब हम लिखेंगे अपना सी एफ तो सी एफ क्या हो जाएगा सबसे पहला जो रूट है वो क्या है माइनस वन तो माइनस वन के कॉरस्पोंडिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि जो सी एफ़ की टर्म होगी वो क्या हो जाएगी सबसे पहला कॉन्स्टेंट हम ले लेते हैं सी वन देन ई रेस टू पार फर्स्ट वैल्यू क्या आई है माइनस वन तो माइनस वन इन टू में एक्स देन प्लस सी टू देन ई रेस टू पार जो सेकेंड रूट है वो क्या है माइनस टू तो माइनस टू इंटू में एक्स तो यहाँ पर एक और रूट आया है हमारे पास तो इसीलिए हम थर्ड कॉन्स्टेंट भी लेंगे विच इज़ सी थ्री देन ई रेस टू पार थर्ड रूट क्या था माइनस थ्री तो माइनस थ्री इंटू में एक्स ऐसे ही अगर हमारे पास एक और यानी कि फोर्थ रूट आया होता तो हम क्या लेते प्लस सी फोर ई रेस्टू पार जो भी एम फोर यानी कि जो फोर्थ रूट की वैल्यू होती इन टू एक्स तो ऐसे जितनी भी रूट्स आएंगे उतने ही हमें कांस्टेंट्स यानी कि सी वन सी टू सी थ्री यानी कि उतनी ही टर्म्स हमें सी एफ में लिखनी है लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो रूट्स आए थे तो इसीलिए हमारे पास खाली सी वन और सी टू यानी कि हमने सिर्फ दो टर्म्स लिखी थी यहाँ पर हमारे पास तीन रूट्स आए हैं तो इसीलिए हमारे पास सी एफ के अंदर तीन टर्म्स हमने ऐड कर दी तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा सी एफ़ इस क्वेश्चन का और ये ही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा तो सोल्यूशन हम एंड में कैसे लिखेंगे सोल्यूशन क्या हो जाएगा सोल्यूशन इज़ वाई इज इक्वल टू सी एफ़ सी एफ़ को हम फिर से लिख देते हैं सी वन ई रेस टू पार माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस टू पार माइनस टू एक्स प्लस सी थ्री ई रेस टू पार माइनस थ्री एक्स तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर सिक्स का सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसके राइट हैंड साइड में ज़ीरो गिवन होता है तो जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल होता है इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है स्टूडेंट्स जिसके अंदर रूट्स के आते हैं रियल नंबर्स आते हैं और डिस्टिंक्ट आते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जिसके अंदर रूट्स क्या होंगे रियल तो होंगे बट क्या होंगे रिपीटेड होंगे कुछ रूट्स तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम सीखेंगे कि जब हमारे पास रियल एंड रिपीटेड रूट्स होते हैं तो उस केस में हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना है स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दें प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू